एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सबका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी के बारे में हम डिटेल के में बात करेंगे। दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, इंडिया, चाइना, रशिया, इनके ट्रेड्स के ऊपर लेकर। तो एक बार मैं आपको न्यूज बताती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में UNCTAD के बारे में बात करेंगे और फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल क्या रही है। तो इंडिया का ट्रेड चाइना और यूरोपियन यूनियन में बढ़ रहा है एज ग्लोबल ट्रेड। भाई अभी रिसेंटली जो UNCTAD की रिपोर्ट है उसने ये बताया है कि जो इंडिया का ट्रेड है, ट्रेड डिपेंडेंसी है जो कि चाइना और यूरोपियन यूनियन के ऊपर है, वो बढ़ रहा है। डिस्पाइट कि हम इंडिया बहुत कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया या डिपेंडेंसी ऑन चाइना में खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। और ये डिपेंडेंसी या ये ट्रेड जो है इंडिया का, इनके साथ बढ़ा ही है। चलिए बात करते हैं UNCTAD के बारे में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। UNCTAD परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश करा गया है UNGA के द्वारा 1964 में। यानी इसे कब एस्टैब्लिश किया गया है, 1964 में। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है एक इंटर गवर्नमेंटल, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब होता है देशों के सरकारों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमानेंट है, UNGA के द्वारा अप्रूव्ड है। कब बनाया गया, इन ईयर 1964। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट इश्यूज पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ड ही बता रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको बैलेंस आउट करने के लिए UNCTAD बनाया गया है। याद रखिएगा UNGA के द्वारा बनाया गया है। और किस ईयर में बनाया गया है, ये बनाया गया है 1964 में। आगे बात करते हैं, ये फ्रेम करता है डिफरेंट पॉलिसी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसी जो कि रिलेटेड है ट्रेड से, जो कि रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, जो कि रिलेटेड है फाइनेंस से, एड से और ट्रांसपोर्ट से। ये कुछ टॉप कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर UNCTAD जो है वो डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज और डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर्स बनाता है, डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। किन किन चीजों के ऊपर है, ये है ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, एड के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कि UNCTAD की जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल होती है। तो याद रखिएगा इसकी कॉन्फ्रेंस वंस होती है हर 4 साल में, साल इसकी कॉन्फ्रेंस नहीं होती। UNCTAD की जो ट्रेड और पॉलिसीज के ऊपर जो भी कॉन्फ्रेंस होती है देशों के बीच में, देशों की सरकारों के बीच में, वो वंस होती है इन एवरी 4 ईयर, यानी हर 4 साल में एक बार होती है। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कभी UNCTAD का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यस, सेकेंड यानी दूसरा जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हुआ था वो हमारे इंडिया में हुआ था, और वो नई दिल्ली में हुआ था। और किस ईयर में हुआ था, 1968 में। यानी जब बना था उसके कुछ समय बाद ही इसके सेकेंड कॉन्फ्रेंस का टाइम आया था, और उसका सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर, हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था।
करेंटली UNCTAD से 195 कंट्रीज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, UNCTAD बहुत सारे उद्देश्यों के साथ बना है। UNCTAD के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ही लिखा है कि वो पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंस, एड, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं UNCTAD की। फॉर एग्जाम्पल, ये एड्रेस करता है मैक्रो लेवल डेवलपमेंट चैलेंजेस को, यानी देशों के बीच में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर डेवलपमेंट को लेकर कोई भी इशू को एड्रेस करना है, उसका काम भी UNCTAD करता है। साथ ही साथ ये बेनिफिशियल इंटीग्रेशन रखता है ट्रेड सिस्टम पर, यानी अगर दो देशों के बीच में किसी भी तरीके का ट्रेड हो रहा है तो इन ट्रेड्स को बेनिफिट के साथ जो है इंटीग्रेट करने का काम भी कौन करता है? UNCTAD करता है। ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन कॉमोडिटीज बाय डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी, यानी किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, और इसीलिए इकोनॉमीज को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स करने की सलाह भी देता है UNCTAD। यानी ये कहता है डू नॉट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, और अपनी इकोनॉमीज को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स करने का काम भी UNCTAD करता है। साथ ही साथ ये डिक्रीज करता है एक्सपोजर डेट और फाइनेंशियल वायलिटी का, यानी किसी भी तरीके की आपके ऊपर कोई भी डेट ना आए, लाइबिलिटीज ना आए, उसके लिए भी ये जो है काम करता है। देशों के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर प्रमोट करता है ताकि देश आपस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो दो देश आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर और हेल्दी रिलेशंस में इन्वॉल्व हों, दो देश आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें, उसके लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर भी UNCTAD बताता है। इसी तरीके से इसका काम है कंज्यूमर अब्यूज को भी प्रिवेंट करना, इसका काम है फ्लो ऑफ गुड्स को बॉर्डर के अक्रॉस इंश्योर करना, यानी दो बॉर्डर्स के बीच में गुड्स सही तरीके से पास हो रहे हैं उसको इंश्योर करने का काम भी कौन करता है? UNCTAD। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से करने का काम भी UNCTAD करता है, यानी डू नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको इतनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, उसका काम भी UNCTAD करता है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UNCTAD। बना कब था, किसके द्वारा बनाया गया, इंडिया में इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेंबर्स कितने हैं और ऑब्जेक्टिव कितना है, ये अभी तक हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो UNCTAD के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है UNCTAD के द्वारा? तो देख लो, एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एक है ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिव्यू, ये हर साल पब्लिश करता है UNCTAD। इसके अलावा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी जो है क्या करता है, पब्लिश करता है। इसके अलावा जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। तो दीज आर द कॉमन रिपोर्ट्स जो कि हर साल UNCTAD जो है पब्लिश करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिपोर्ट। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट UNCTAD ने निकाली है, ट्रेड रिपोर्ट, इंडिया के रिस्पेक्ट में उसमें क्या क्या चीजें हैं, इंडिया के लिए उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, मैं इसके बारे में आपको कुछ हाइलाइट्स बता दे रही हूँ। सबसे पहला हाइलाइट ये है कि जो इंडिया का ट्रेड रिलायंस है चाइना और यूरोपियन पर, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एज अ ग्लोबल ट्रेड, इज विटनेसिंग अ शिफ्ट अलोंग अ जियोपॉलिटिकल लाइंस। तो
क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जो क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ये शो करता है कि इंडिया का डिपेंडेंस चाइना पे और यूरोपियन यूनियन में वो लगभग 1.2% से बढ़ा है, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा है, 1.2% बढ़ा है, while it reliance on Saudi Arabia slid by 0.6%, यानी जो सऊदी अरेबिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी या ट्रेड है वो 0.6% घटा है, लेकिन वहीं पर जो यूरोपियन यूनियन और चाइना के ऊपर हमारा ट्रेड डिपेंडेंस है वो 1.2% से बढ़ा है। और ये इसके बावजूद भी बढ़ा है कि इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली थी कि वो चाइना पर ट्रेड डिपेंडेंसी कम से कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये फ्लैगशिप स्कीम थी जो सरकार के द्वारा निकाली गई थी, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ये भी निकाले गए थे ताकि जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट हैं उसकी एंट्री हम इंडिया में बंद कर सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे कम करने के लिए जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में आ रहे थे चाइना से, जो कि हमारा डोमेस्टिक ट्रेड जो है डिस्टर्ब कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स निकाली थी। लेकिन स्कीम्स निकालने के बावजूद भी UNCTAD के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ट्रेड डिपेंडेंस है चाइना और यूरोपियन यूनियन के ऊपर वो 1.2% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNCTAD की रिपोर्ट में ये देखा गया है, एक मेजर शिफ्ट हुआ है ट्रेड में रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। भाई जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इन वॉर्स की वजह से भी देयर इज अ लार्ज शिफ्ट ऑफ ट्रेड जो कि देखा गया है। वहीं पर जहां पर रशिया की ट्रेड डिपेंडेंस चाइना पर जो है वो बढ़कर 7.1% हो गया है, और उसका रिलायंस जो यूरोपियन यूनियन के साथ है वो 5.3% से घटा है। यानी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है, इसकी वजह से रशिया चाइना के साथ व्यापार जो है वो लगभग 7.1% बढ़ गया है, लेकिन वहीं पर जो रशिया के यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार था वो 5.3% से क्या हो गया है, घट गया है। दिस इज ऑल बिकॉज कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहा है उसके साथ हम ट्रेड भी करेंगे, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे, दिस वॉज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ रशियन ऑयल शिफ्टिंग फ्रॉम EU टू चाइना एंड इंडिया। तो भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वॉर की वजह से जो रशियन ऑयल है वो शिफ्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन से चाइना और इंडिया की तरफ, और इसकी वजह से जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है UNCTAD के बारे में, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा हर साल दीज आर द रिपोर्ट्स जो कि UNCTAD के द्वारा पब्लिश करी जाती है, हेडक्वार्टर, मेंबर्स, कब बना, इंडिया में इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई, हर 4 साल में एक बार इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सबको बहुत यूजफुल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर बेटा।